Hi guys, this is Advocate Ruksaar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, husband wife के बीच में जब matrimonial dispute शुरू होता है तो बहुत सारे सवाल एक husband वकील के पास जाके पूछता है और ये वो questions हैं जो आम तौर पर हर एक husband जिसका अपनी wife से matrimonial dispute है वो जरूर पूछता है। ये क्या क्वेश्चन है, पहले इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पहले ये सवाल देखते हैं क्या है। वकील साहब, मेरा अपनी वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, वो मुझे दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है, जबकि मैंने दहेज की ना तो मैंने कभी मांग की है और ना मेरे माता पिता, मेरी फैमिली के मेंबर ने भी कभी दहेज की मांग ही नहीं करी, बल्कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मेरी वाइफ मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग करती है कि वह आत्महत्या कर लेगी और मुझे झूठे केस में फंसा देगी। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मेरे सास ससुर मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं और वो अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। मेरी पत्नी मुझ में झूठे इल्जाम लगाती है और अपने भाइयों से पिटवाने की धमकी देती है। मेरी पत्नी मेरे घर में काम नहीं करती, मेरे माँ बाप से मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर अलग रहने के लिए फोर्स करती है। मेरी पत्नी कई बार मुझे डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए अपनी नसें काटने की झूठी मूठी कोशिश कर चुकी है और वो कई बार आत्महत्या करने की भी झूठी मूठी कोशिश कर चुकी है ताकि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली कोई भी ना तो डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड की तरफ से होती है, ना दहेज की मांग हस्बैंड की तरफ से होती है, ना हस्बैंड किसी भी तरह की अपनी वाइफ के साथ मार पिटाई करता है, मेंटेनेंस भी पूरी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियों की ऐसी टेंडेंसी बन जाती है कि वो दूसरों के बहकावे में आकर अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है। ऐसी सिचुएशन में जब एक हस्बैंड पूरी तरह से निर्दोष है और कोई लड़की उसके खिलाफ इस तरह की बदतमीजियां, एलिगेशन, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रही है, अब ऐसी सिचुएशन में किसी भी हस्बैंड के पास क्या कानूनी उपाय हैं? आइए अब इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा रही है, चाहे वो झूठे हों या सच्चे हों, ये ध्यान रखिए कि वो आपके ऊपर 3 केसेस शुरुआत में फाइल कर सकती है। सबसे पहला दहेज की मांग का 498A ऑफ IPC, जिसके अंदर वो आप, आपके परिवार के सदस्य, माता पिता, माँ बाप, भाई बहन सबका नाम लिखवा सकती है और इसमें आपके ऊपर FIR भी रजिस्टर्ड हो सकती है, चाहे उसके पास कोई भी एक सबूत हो या ना हो। दूसरा, वो आपके और आपके परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के इल्जाम भी लगाकर कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है और आपसे मुआवजे की मांग कर सकती है, मेंटेनेंस की भी इसी केस के अंदर मांग की जा सकती है। फ्रेंड, इसके अलावा एक अलग से सेक्शन 125 ऑफ CRPC का केस, जो कि मेंटेनेंस के लिए होता है, लड़की अपने और अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है और मेनली यही 3 केस से किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की हस्बैंड और वाइफ के बीच में शुरुआत होती है। वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर ही केसेस फाइल करती है। अब सवाल यहां से शुरू होता है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के इन झूठे केसों से अपने आप को बचाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी ऐसी पिटीशन, पुलिस कंप्लेंट, लीगल नोटिस फाइल कर सके, दायर कर सके, जिसको करने के बाद वो ऐसे केस कर ही ना पाए। फ्रेंड्स, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है नो। ऐसा कोई कंप्लेंट, कोई नोटिस, कोई मुकदमा नहीं है जिसे आप कोर्ट में पहले से पहले फाइल कर दें और आपकी पत्नी आपके ऊपर कभी भी मुकदमा दर्ज ही ना कर पाए। लोग कहते हैं कि सर, ये कैसा कानून है हिंदुस्तान का कि एक पत्नी अपने पति को झूठे केस में फंसाना चाह रही है, उसके बावजूद भी हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बचने का रास्ता तो आपके पास है, लेकिन आप अपनी पत्नी को झूठा केस फाइल करने से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर वो झूठा केस फाइल कर रही है, करने वाली है, तो आपको अब सचेत हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए और जो मुसीबत
आपके ऊपर फ्यूचर में आने वाली है उसकी अब आपको जेन्युइनली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि अगर आपकी पत्नी आपको झूठे केस में फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास मोबाइल है, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, आप इसका इस्तेमाल करके उसकी उस एब्यूजेस का, गाली बदतमीजी टॉन्टिंग ब्लैकमेलिंग जो वो आपके साथ कर रही है उसका आप रिकॉर्ड रखिए और इस रिकॉर्ड के बेसिस पर आप पुलिस में कंप्लेंट फाइल करिए। कोशिश करिए कि पुलिस उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड करे, और अगर पुलिस FIR रजिस्टर्ड नहीं कर दी है तो फिर आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 200 CRPC और 156(3) CRPC के अंदर आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करिए और अपनी पत्नी के ऊपर FIR कराइए। ये आपके पास एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ होगा, मजबूत प्रूफ होगा, जिससे आपको आगे चलकर अपनी प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी पत्नी आपको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए या फोन करके ब्लैकमेलिंग की धमकी दे रही है तो ये भी एक बहुत ही मजबूत सबूत है जो आप कोर्ट के अंदर अपने डिफेंस में पेश कर सकते हैं। ये ऐसे सबूत होते हैं जिसको कोर्ट भी कंसिडर करने के लिए बाध्य है, बशर्ते इन प्रूफ्स को आप सही कानूनी प्रोसीजर फॉलो करके, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 65B का जो सर्टिफिकेट होता है वो इनके साथ हमें संलग्न करना होता है, अटैच करना होता है, तभी ये प्रूफ एडमिसिबल होते हैं, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड एडमिसिबल होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने के लिए अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बनानी पड़ रही है तो भी इसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने आप को बेदखल करवा लेते हैं अपने माता पिता से, और उसके बाद ये जो बेदखली का प्रोसीजर है ये एक अधूरा प्रोसीजर करके छोड़ देते हैं जिसका उन्हें फायदा नहीं मिलता बल्कि नुकसान मिलता है। फ्रेंड, जब मेंटेनेंस का केस आप लड़ने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपकी पत्नी आपकी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग शो करती है अपनी पिटीशन के अंदर, और आपको अपनी लायबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा शो करनी है कि मेरे ऊपर खर्चे बहुत हैं, जिम्मेदारी बहुत है और मेरी आय कम से कम है। इस लड़ाई के अंदर जो लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो अपने आप को अपने घर से बेदखल दिखा देते हैं और वो बताते हैं कि मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, उनका खाना खर्चा दवाई और उनकी जो मेंटेनेंस है वो मैं नहीं करता हूं। ये अल्टीमेटली आपके ही खिलाफ जा रहा है। अगर आप अपने माँ बाप की मेंटेनेंस को अपने ऊपर शो करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी आय में से आपके माता पिता भी उसमें आश्रित हैं और आपको उनकी जिम्मेदारी उठानी है, और आप कोर्ट में ये अपना डिफेंस ले सकते हैं कि मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाता हूं, उनकी दवाइयां, उनके खर्चे, उनकी वृद्धावस्था में जो भी उनको तकलीफ है उसका खर्चा सारा मेरा है, इसीलिए मेरी पत्नी को जो आप पैसा दे रहे हैं उसमें मेरे माता पिता की खर्चों का भी ध्यान रखा जाए और कम से कम मेंटेनेंस मेरी वाइफ को दी जाए। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कैसे एक हस्बैंड अपनी पत्नी के टॉर्चर को जो कोर्ट में होने वाला है उसे रोक सकता है। तो फ्रेंड, आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। जो मैंने आज आपको यहाँ पे सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आई होप आपको कोर्ट में कम से कम प्रॉब्लम होगी और अल्टीमेटली आपकी वाइफ को कोर्ट के अंदर डिफीट होगी और आपको एक्विटल होगा। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।